वेलकम गाइस, मैं नरेंद्र कुमार तैनिल से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भूमि नरेंद्रा। माय डियर फ्रेंड्स, क्या बात है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बताने वाले हैं आपको समष्टि के बारे में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज़ आपको पढ़ना है, किस तरह की तैयारी करनी है, वो इस चीज़ के बारे में हमने ये वीडियो लेकर आए। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ आपको तैयार करनी है। नेशनल इनकम में आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, जीडीपी सामाजिक कल्याण का सूचक होती है या नहीं होती है, या बाध्यताएँ आप कर सकते हैं, और एक चीज़ है कि राष्ट्रीय में क्या चीज़ शामिल किया जाए या नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय में क्या चीज़ शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, और इसके अलावा क्या है आपके पास, राष्ट्रीय की सावधानियाँ, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि जो भी है आपकी सावधानी आपको करनी है। ठीक है, और बाकी क्या है आपको, न्यूमेरिकल तो आपका आएगा। ठीक है, 6 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, और इसके बाद मुद्रा जो चैप्टर है, ठीक है, मुद्रा जो चैप्टर है उसमें क्या है, मुद्रा के कार्य डिलीट हो चुके हैं, इसी वजह से क्या है, मुद्रा के कार्य को छोड़ के आपको सारे कार्य, मतलब जो भी इसमें है, वस्तु विनिमय का प्रणाली का उदय कैसे हुआ, या मुद्रा आपूर्ति से आप कह सकते हो, इसे संगठक बताओ, ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा, 6, 7, 8 जो चैप्टर्स हैं, आय व रोजगार का निर्धारण, यहाँ आपको आपकी आ सकती है गुणक की अवधारणा, गुणक की प्रक्रिया कह सकते हैं, या गुणक की अवधारणा से आप क्या समझते हो, MPC और MK के बीच में संबंध बताओ, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति गुणक के बीच संबंध बताओ, या सीमांत बचत प्रवृत्ति गुणक के बीच संबंध बताओ, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और साथ में बात करें इसमें कि एक क्वेश्चन हो सकता है आपका कि क्या अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति होती है, यदि असंतुलन की स्थिति नहीं चले तो क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि संतुलन की स्थिति से आप क्या समझते हो, संतुलन की स्थिति से आप क्या समझते हो, क्या अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति हो सकती है। तो संतुलन की स्थिति का यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स ये बताया गया है कि जहाँ पे कुल मांग और कुल पूर्ति की मात्रा बराबर होती है उसे कहते हैं पूर्ण रोजगार का स्तर, या आय व रोजगार का संतुलन स्तर। और अर्थव्यवस्था में जहाँ पे ये बताया गया है कि संतुलन ना हो, यानी वो या तो कहना चाहता है कि कुल मांग अधिक है या कुल पूर्ति अधिक है, या तो कुल मांग के बारे में अधिक बताना चाहता है या कुल पूर्ति अधिक बताना चाहता है। AD ग्रेटर देन AS, या तो AD ज़्यादा हो गई है या आपकी AS ज़्यादा हो गई है। तो अगर कुल मांग अधिक होगी तो अर्थव्यवस्था में वस्तुएं कम पड़ जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो विक्रेता होगा उसको कहीं ना कहीं एक तरह की हानि का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, और वो कहे उसे एक बात पे सोचने में मजबूर होना होगा कि अगर वो उसके पास ज़्यादा क्या होता, वो ज़्यादा चीज़ें होती तो वह शायद लोगों की रिकवरी कर पाता, क्योंकि संतुलन लाने के लिए उसे कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या, अगर पूर्ति ज़्यादा है, लोगों का माल तो बन गया ज़्यादा लेकिन नहीं बिका, तो अगली बार वो क्या करेगा, जो बेचने वाला है वो कम सप्लाई करेगा ताकि AD और AS बराबर हो जाए। तो क्वेश्चन क्या था, संतुलन की स्थिति यहाँ पे कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर हो, और उसने कहा असंतुलन की स्थिति जहाँ पे या तो कुल मांग अधिक होगी या कुल पूर्ति कम होगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन आपका अधिमांग से रिलेटेड हो सकता है कि अधिमांग से आप क्या समझते हो, या भावी मांग से आप क्या समझते हो, या मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हो, इनमें से सबसे पहले, और इसके बीच में क्या जोड़ देगा बाद में आपको कहेगा, बैंक दर से, बैंक दर की भूमिका बताओ, ब्याज दर की भूमिका बताओ, खुले बाजार की क्रिया बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, अधिमांग और भावी मांग के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, इसके बारे में जरूर आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन होता है उपभोग वक्र से बचत वक्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसके पूरे चांस हैं वो ये आ सकता है। ठीक है, उपभोग वक्र से बचत वक्र का निर्माण। ठीक है, और बात करें हम बजट की बात करें, ठीक है, तो बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, बजट के उद्देश्य क्या है, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटे, ये सारी चीज़ें घाटे हैं और इनके अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। और एक इसमें बजट में क्या है, एक न्यूमेरिकल आ सकता है। ठीक है, ये राजस्व घाटा निकालिए, प्राथमिक घाटा, ये जरूर अच्छी तरह से आपको करना है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले भुगतान शेष, भुगतान शेष क्या है, भुगतान शेष व्यापार से, भुगतान शेष में अंतर, भुगतान शेष की स्वायत्त और समायोजक मदों में अंतर, चालू खाते से आप क्या समझते हो, पूंजी खाते से आप क्या समझते हैं, इनकी मदें बताओ।
तो ये मतलब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, और एक अगर विनिमय है तो विनिमय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका आ सकता है वो क्वेश्चन ये है कि अधिमूल्यन और अवमूल्यन से आप क्या समझते हो, यानी कोई भी एक सिचुएशन हो कोई आपको ये बताना होगा इसके निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आयात पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, और एक गुणक में एक न्यूमेरिकल आ जाता है जहाँ पे वाई बराबर सी प्लस आई या एस बराबर आई होता है, ठीक है, वो आप न्यूमेरिकल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए ताकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सके। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।